आप हैं सुपुत्र जिग्ना वोरा जी के। बिग बॉस करना है, बिग बॉस करना है, बिग बॉस करना है। वॉज हाई प्रोफाइल क्रिमिनल, क्राइम रिपोर्टर, ठीक है, सब लोग ने मर्डरर का लेबल लगा दिया था। तो जिग्ना जी जिन ग्रुप में है या फिर जिन लोगों के साथ है बिग बॉस के घर में, आपको क्या लगता है कि कौन उनके अपने सगे हैं? कोई किसी को जिताने नहीं आया है। निखिल, मुनव्वर का गेम कैसा लग रहा है आपको? बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ मुनावर। अगर शायद मम्मी नहीं होती तो मैं मुनावर को ही सपोर्ट करता। आई थिंक मुनावर इज प्लेइंग द बेस्ट गेम राइट नाउ, जितने भी लोग हैं। आफ्टर मम्मी का लॉन्च, आफ्टर द बिग बॉस लॉन्च, मम्मी के अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं राहुल भोज, इस वक्त मेरे साथ निखिल मेहता है। आप हैं सुपुत्र जिग्ना वोरा जी के। जिग्ना जी वो बड़ा नाम जो कि पत्रकारिता में एक मिसाल है। जिग्ना वोरा इस वक्त बिग बॉस के घर में है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले निखिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना। थैंक निखिल भाई, क्या कहना है आपको? जिग्ना जी जैसा कि हम सबको पता है बिग बॉस के घर में है। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब उनको अप्रोच किया था और उन्होंने बताया था, तो आपने क्या हामी भरी थी कि नहीं मम्मा जाओ, या फिर बोला था कि नहीं थोड़ा सोच लो? तो थोड़ा बैक स्टोरी बताता हूं मैं। जब से मम्मी का एक्विटल हुआ था 2018 में, जब केस खत्म हुआ था, उसके बाद वेब सीरीज आई। वो वेब सीरीज आने के बाद मैं ही था जो मम्मी को पुश कर रहा था कि मम्मी बिग बॉस करना है, बिग बॉस करना है, बिग बॉस करना है। और फॉर्चुनेटली और कोइंसिडेंटली बिग बॉस 17 के टाइम मम्मी को अप्रोच भी आ गया। एंड मैंने तो विदाउट इवन थिंकिंग वंस मैंने तो हाँ ही बोला था कि नहीं, मम्मी यू शुड डू इट, दिस इज योर टाइम नाउ, नाउ यू डिजर्व इट, आफ्टर सो मेनी इयर्स, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ स्ट्रगल, यू डिजर्व इट एंड यू शुड डू इट। आपने बोला कि नहीं आपको करना है, मम्मी नहीं करना है, तो रीजन क्या था? क्यों आप चाहते थे कि जिग्ना जी जो है वो बिग बॉस में जाए? जब वो केस हुआ था आज से 12 साल पहले, 2011 में, जब मम्मी के ऊपर जो भी आरोप अक्यूजेशन लगे थे, आरोप लगे थे, तब सब लोग ने विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस, सब लोग ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मीडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर कॉलीग्स, आई एम नॉट टॉकिंग समवन अबाउट जो पहले से ही केस में थे, नहीं, मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। तब मम्मी ने सबको, मम्मी को गिल्टी प्रूव कर दिया था विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस, जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी जी के कनेक्शन ऐसे थे। मेरी मम्मी वाज हाई प्रोफाइल क्रिमिनल, क्राइम रिपोर्टर। तो मम्मी को सब लोग ने प्रूव कर दिया था कि गिल्टी है, सब लोग ने बोल दिया था कि गिल्टी है, सब लोग ने मर्डरर का लेबल लगा दिया था। तो 12 साल भी आज बहुत सारे लोग हैं जो आज जिनको अब तक पता नहीं हो। तो मुझे ऐसा था कि सब लोग को पता चलना चाहिए सच क्या है, क्योंकि अब साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जब जो चीज होती है तब 6 महीने तक वो एकदम लोहा गर्म होता है, तब सब लोग जो जिनके थॉट्स होते हैं वो सब समझ लेते हैं। पर उसके बाद 8 साल केस चला, 8 साल केस चला, 8 साल बाद मम्मी को एक्विटल मिला। वो किसी कोई फॉलो नहीं करेगा जो उस टाइम पे जितना लोगों ने फॉलो किया था। 8 साल तक तो जी लोग भूल भी गए होंगे कि भाव, उन लोग के मन में तो यही होगा कि आज जिग्ना वोरा मर्डरर थी, ये वो। बट 8 साल बाद जब एक्विटल मिला, तब 1 करोड़ लोग ने अगर बोला होगा कि मर्डरर थी, तो उसमें से 25 लाख लोग ने ही देखा होगा कि एक्विटल मिला है। तो वो जो बाकी के 75 लैक्स थे उनका क्या, उन लोग को तो अभी भी ऐसा ही लगता है ना। तो बस वही रीजन था कि बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। 3 महीने, जी चार तीन साढ़े 3 महीने जितना भी टाइम वो चलता है, इट इज श्योर के हर फैमिली, एवरी सेकेंड और एवरी थर्ड फैमिली इन इंडिया वॉचेज इट। तो आई वॉन्टेड हर टू डू इट। और मेरा ऐसा नहीं था, हमारा दोनों का ऐसा नहीं था कि जीतना ही है या बहुत आगे तक जाना है। मुझे बस इतना था कि लोगों को पता चलना चाहिए कि सच क्या है, दैट्स ऑल। जी सो डू यू थिंक निशल की क्या मैम के अंदर एंट्री पे जिस तरीके का रिएक्शन आपको चाहिए था, जिस तरीके से उनको मतलब लोगों तक पहुंचाना था मैम को, क्या वो प्रूफ हुआ है? आर यू सीइंग अ रे ऑफ होप? श्योर, आई मीन फर्स्ट वीक आपने भी देखा होगा, फर्स्ट वीक में ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे मीडिया ही आए थे जो रियल मीडिया थी। तो जी कहीं ना कहीं आई थिंक द पर्पस इज फिनिश्ड नाउ,
जहां तक नहीं पहुंचे वहां तक और पहुंच रहे। अब ये आगे की लड़ाई का एक टाइम आ गया है कि अभी जितना आगे जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, यू नो। बट यस, आई जी थिंक समवेयर लोगों को अभी थोड़ा पता चलना चालू हो गया, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो लोग वो वेब सीरीज का नाम लेके वेब सीरीज के बारे में, स्कूप के बारे में बहुत बोलते भी है कि स्कूप देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। एंड और आई थिंक मेरा जो पर्पस था वो तो पूरा शायद हो गया हो, नहीं हुआ हो तो अभी मैं ज्यादा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बिग बॉस से ऊपर अभी मैं किधर नहीं भेज सकता। तो अभी ओके जिस जो थिंकिंग चेंज नहीं कर रहे वो उनका प्रॉब्लम है, अब वो मेरा प्रॉब्लम नहीं या हमारा प्रॉब्लम। जी, बिग बॉस में जिग्ना जी की जो जर्नी रही है अभी 2 हफ्तों की, तीसरा हफ्ते अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज योर रिएक्शन? आई वांटेड टू नो, और क्या जिग्ना जी जो है वो मतलब जो जो कर रही है एक्चुअली, उनको अभी रिसेंटली रोस्ट भी किया गया था कि किचन में ही दिख रहे हैं, आर यू हैप्पी विद दैट मोमेंट? मतलब कि किचन में ही दिख रहे हैं, या फिर आर यू लाइक कि नहीं मम्मी खेलना चाहिए, आगे आपको आना चाहिए? अभी सर जैसे, आई मीन वी आर कॉमन मैन, हमको हम लोग को कैमरास की एंड ऑल आदत नहीं है, हम एक्टर एक्टर लोग नहीं है। तो मुझे पता था कि थोड़ा स्टार्टिंग में या थोड़े टाइम तक ऐसा होने वाला है कि मम्मी थोड़ी शांत हो जाए, एंड जो अभी हो गई है बहुत टाइम, तो 3 4 5 6 दिन से जो मैं जितना मैं देख रहा हूँ, और वो रोस्ट एंड ऑल, तो अभी अगर मेरे को इतना छोटी छोटी चीजों का बुरा लगना चालू हो जाएगा ना, तो ये इंटरनेट से मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रोल तो इतने होते हैं, सब ट्रोल होते हैं, इतने बड़े बड़े एक्ट्रेस भी ट्रोल होते हैं, मम्मी तो कुछ नहीं है। तो अगर मैं तो नेगेटिव कमेंट्स की तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता हूँ, बाकी घर में जो होता है वो तो अभी दैट इज द पार्ट ऑफ गेम। आई मीन रोस्ट करना एंड ऑल वो सब अभी मैं क्या ही बोलूँ इसमें, दैट इज द फॉर्मेट। सो जी जी जिग्ना जी, क्या वो डिलीवर कर पा रही है? मतलब मेरा कहने का सवाल था, वो डिलीवर कर पा रही है, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको उनका गेम रोचक लग रहा है या फिर उनको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अभी अंदर? अभी जैसे मैंने बोला कि थोड़ी शांत हो गई है, वो बस एक ऐसा मोमेंट आना चाहिए गेम में कि जहां वो उसको ऐसा लगे कि यू नो नाउ शी हैज टू कम आउट एंड टॉक एंड व्हाट एवर शी हैज टू डू, जो कि आएगा। अब जब वो आएगा तब वो शी विल अगेन जैसा पहले हफ्ते में थी वैसा वापस आ जाएगी, आई एम श्योर। क्योंकि मैं एज अ पर्सन उनको जानता हूं ना, मेरी मम्मी है तो मुझे पता है कि वो एज अ पर्सन कैसी है। तो वो इतने सारे लोग नए लोगों के बीच में कभी कभी वो शांत हो जाती है, एंड दैट इज ओके, दैट इज फाइन, सबके साथ होता है। जो कॉमन मैन है जिनको कैमरा की आदत नहीं है इतने सालों से, यस थोड़ी शांत हो गई है, आई अग्री, बट ठीक है वो, आई मीन मेरे को उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि वो कैसी है, तो वो हो जाएगा। आई मीन थोड़ा टाइम उसको और थोड़ा देंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसको टाइम देते रहो और आगे तक यू नो, नहीं, शी हैज, उसका ऐसा एक मोमेंट आएगा जहां पे उसको रियलाइज होगा कि नाउ शी हैज टू यू नो स्टार्ट टॉकिंग एंड स्टार्ट प्लेइंग अच्छे से। जिग्ना जी, जिन ग्रुप में है या फिर जिन लोगों के साथ है बिग बॉस के घर में, आपको क्या लगता है कि कौन उनके अपने सगे हैं? मतलब कि सगे तो खैर कोई नहीं होता, लेकिन दोस्त हैं जिन पे थोड़ा ट्रस्ट किया जा सकता है, और कौन जो है बैक स्टैबर है? तो सब अपने अपने इंडिविजुअल गेम खेलना है, कोई किसी को जिताने नहीं आया है, और सेम मेरी मम्मी है वो किसी और के साथ जीतने नहीं आई है, वो भी अगर अगर आगे तक जाती है वो भी अकेले ही जीतेगी। मेरा ऐसा मानना है कि सब इंडिविजुअली ही खेल रहे, ऐसा नहीं है कि हाँ रिलेशनशिप तो होगी, मतलब फ्रेंडशिप तो होगी अगर 24 घंटा एक एक के साथ ही रह रहे हो, बट जहां बात आती है गेम की, सबका इंडिविजुअल गेम है। सो ओके नहीं मतलब जिग्ना जी को किन पे ट्रस्ट करना चाहिए, किन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो मैं जानना चाह रहा था। सर देखो, अभी मैं 1 ही घंटा देखता हूँ, आप भी 1 ही घंटा देखते हो, मुझे मालूम नहीं है बाकी घर के अंदर क्या होता है। अब वो जी उसको ज्यादा अच्छे से पता है कि उसको किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और किसके ऊपर नहीं। मैं यहाँ पे बाहर बैठे बैठे क्या ही बोलू, आप भी नहीं बोल पाओगे राइट, क्योंकि 24 घंटे लोग अगर किसी के साथ है और अपने को 1 ही घंटा दिन का दिख रहा है, तो हु आर वी टू पास जजमेंटल कॉल्स एंड टेल कि ये इंसान अच्छा नहीं है, इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके ओके निखिल, मुनव्वर का गेम कैसा लग रहा है आपको? बिकॉज हमने देखा जिग्ना जी की जो वाइब पहले जाते ही अंदर मैच हुई थी वो मुनव्वर के साथ हुई थी, एंड काफी ज्यादा यस एक गुजराती कनेक्शन निकल कर आया, फिर उन्होंने कहा राइट, नहीं हमारा जो है कुछ और का भी कनेक्शन है। व्हाट यू वांट टू से अबाउट मुनव्वर?
ना मुनावर, अगर मैं एज अ लेमैन बात करूं, मुनावर, आई एम अ बिग फैन ऑफ मुनावर। अगर शायद मम्मी नहीं होती तो मैं मुनावर को ही सपोर्ट करता, तो वेरी बिग फैन ऑफ मुनावर। जैसे मम्मी ने भी फर्स्ट डे पे जाके बोला था कि व्हेन शी वाज लो शी यूज्ड टू सी मुनावर्स वीडियोस एंड ऑल ऑफ दैट। कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, और भी दो तीन स्टैंड अप कॉमेडियंस है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, बट मुनावर से मैंने स्टैंड अप कॉमेडी देखना चालू की है। उसके स्टैंड अप कॉमेडी का कॉन्सेप्ट मुझे मुनावर से पता चला है। तो मुनावर, आई थिंक मुनावर इज प्लेइंग द बेस्ट गेम राइट नाउ, जितने भी लोग हैं। अगर मैं बिग बॉस पर्सपेक्टिव से देखूं, जैसा होना चाहिए, मुनावर माइट बी प्लेइंग द बेस्ट गेम। रिसेंटली हमने देखा कि बिग बॉस के घर में बिग बॉस ने कुछ ऐसा कर दिया जहां पे एक ट्राइंगल लव स्टोरी सामने आई है, ईशा अभिषेक और समर्थ की। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल? सर, उनका पर्सनल लाइफ है, जितना हम दूर रहे उतना ही अच्छा है। यस, अभी वो नेशनल टेलीविजन पे आ गया है, बट मेरे को ऐसा लगता है, अगर अभी जैसे मेरी मम्मी का हुआ सा, मेरे साथ हुआ, हमारे फैमिली के साथ हुआ, लोगों ने जजमेंटल कॉल पास किए तभी हम लोग जहाँ पे पहुंचे वहां पे पहुंचे। अगर लोग जजमेंटल कॉल पास ही नहीं करते, लोग हमको जज ही नहीं करते, तो इतना मेंटल प्रॉब्लम नहीं होता ना। हमको सिर्फ जी जस्टिस सिस्टम से फाइट करना था, जो कि हमने किया, पर ये सब जो जजमेंटल कॉल्स हुए मीडिया की द्वारा, लोगों के द्वारा, उससे ज्यादा अफेक्ट होते। तो तब से हम दोनों ने, मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया है, नो मैटर व्हाट, हम किसी को जज नहीं करेंगे। अब जैसे आपने बोला ये तीन लोग हैं बाहर, 2 हफ्ते से अपना वी आर ओनली वॉचिंग ऑन बिग बॉस, बाहर क्या हुआ है हमको नहीं मालूम। पूरी स्टोरी पता होने के पहले किसी को जज करना नहीं चाहिए, और ना मैं करूंगा। मैं तो बिग बॉस देखता हूँ मेरी मम्मी के लिए, और बाकी सबको लिए भी। ऑब्वियसली मैं बिग बॉस का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिग बॉस का फैन नहीं हूँ, पर मैं अभी यूएस में हूँ, 12 घंटे का टाइम जी डिफरेंस है, तो जी 12 साढ़े 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है बिग बॉस के साथ वही टाइम पे रहना। तो मैं कभी कभी आपकी मतलब इंडिया में जब सुबह होती है तभी मैं देखता हूँ, कभी कभी यहाँ पे जब सुबह होती है तभी मैं देखता हूँ। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ किसी के, इतना मेहनत कर रहा हूँ खाली 1 घंटा देखने के लिए, इसके लिए नहीं कि मैं किसी पे जजमेंटल कॉल पास करूँ। वो उनकी लाइफ है, उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, उनसे ज्यादा कोई अच्छे से जानता नहीं है, उन तीनों से ज्यादा कि सच क्या है। जी। निखिल, अगला सवाल मेरा ये है कि अभी तो मैम जो है वो घर के अंदर है, डेफिनेटली बातचीत होती होगी सोशल मीडिया पे, आपकी भी बातचीत होगी, लोग आपसे मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे, किस तरीके का रिएक्शन आता है आपको, और दोस्त मित्र आपके रिश्तेदार या जो भी, मतलब आप मिलता है तो क्या कहता है, या कोई फोन पे बात करते तो क्या कहता है? अच्छा वो आपने निकाला, मैं बोलने ही वाला था। मेरे को सब जिन जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, जिन जिन्होंने मेरे फोन कॉल फोटोज पे कमेंट किया है, जिन जिन्होंने मुझे कॉल किया है, जिनको मैं आई कुड नॉट गेट बैक, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आए आफ्टर मम्मी का लॉन्च, आफ्टर द बिग बॉस लॉन्च, मम्मी के अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए, एंड आई कुड नॉट रिप्लाई ऑल ऑफ देम। बट मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन। आई एंड माई मॉम, वी रियली आर ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ योर एफर्ट्स एंड सपोर्ट। नहीं, मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं, जैसा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, एंड आई एम हैप्पी के नाउ ऐसा हो रहा है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर बिग बॉस एंड वायोकॉम एंड एंडोमॉल टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी। जी। आपके फ्रेंड्स वेंड बात करते हैं, मतलब इस बारे में कि वाया तेरी मम्मी को देखते हैं अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है ऐसा जिनके कुछ? साथ 6 साल से बात नहीं हुई, उनके भी मैसेज आ रहे ओके, गॉट हैं। इट, आई अंडरस्टैंड, दुनिया है, पलटती है, चीजें भी पलटती हैं। कोई बात नहीं, आप